हुआ है उसमें कंप्रोमाइज की तरफ आप जा रहे हैं क्या? कंप्रोमाइज कोई भी पार्टी हो जुडिशियल सिस्टम में आते हैं प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है दोनों भी कोर्ट की तरफ से भी कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन कंप्रोमाइज का एक तरीका होता है कि पार्टी के बीच में कम्युनिकेशंस होती हैं, हम लेटर्स लिखते हैं उसके रिप्लाईज आते हैं उसके बाद ही चीज़ें डिसाइड होती हैं। लास्ट ईयर पर उन्होंने एक चीज़ कही थी कोर्ट में, खुद ही उन्होंने ऑफर की थी कि बच्चों के जो स्कूल रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, एडमिशन फीस है, बच्चों की कुरान एजुकेशन मंथली एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के ट्यूशन फीस एक्सपेंसेस हैं और हेल्थ, इन पे वो एग्रीड थे। उन्होंने कहा हम देने के लिए तैयार हैं। हमने 14 नवंबर को उनको एक लेटर लिखा है, उनमें हमने चार चीज़ें ये बताई हैं कि आपने ये चार चीज़ें हम दे दें, आउट ऑफ कोर्ट ये पेमेंट्स एक्सचेंज हो जाएंगी, बच्चों को अपने एक्सपेंसेस मिल जाएंगे, उसके बाद हम थ्रू कोर्ट जाके उस पर एक एग्रीमेंट एक ऑर्डर करवा लेंगे कि इन इन इशूज़ पर पार्टीज एग्रीड हैं, बाकी जो डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं वो जो है ना हम कोर्ट में जाके उनको कंटेस्ट करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो इससे आपको मीडिया आज़ाद को या बाकी जो लोग देख रहे हैं उनको समझना चाहिए कि रुकावट कॉम्प्रोमाइज़ में किसकी तरफ से। अच्छा। हमने तो अपनी उनको लेटर लिख दिया, उनको अभी रिप्लाई में जिस पे एग्रीड होना है जो ऑलरेडी ये कोर्ट में एग्री कर चुके हैं, लेकिन कोई हमें कंफर्म नहीं करे कि हम देने के लिए तैयार हैं। उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि बच्चों की एजुकेशन को नुकसान हो रहा है। वो कह रहे हैं कि बाहर जो है मिलेंगे, घर में मिलेंगे, दूसरा घर पे खर्चा देने के लिए भी तैयार हैं, जो उनके मुतालबात हैं हम मानने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जो अगर मुतालबात हमारे मानने के तैयार तो वी आर विल वेलकम देम, उनको हम वेलकम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि उनको ये चीज़ें हमें बतानी चाहिए। कोर्ट में आके कहते हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं, जब हम आउट ऑफ कोर्ट एक उनको लेटर लिखते हैं कि भाई ये चीज़ें आपने एग्रीड की हैं कोर्ट में, ये आप आउट ऑफ कोर्ट आके इस पर एग्री हो जाएं और हमें एक्सचेंज कर दें, चीज़ें दे दें, लेकिन उस पर वो एग्री नहीं हो रहे हैं। तो उस पर यही रिजल्ट निकल रहा है इस चीज़ का कि जो एट द एंड रिजल्ट निकल रहा है वो बच्चों की एजुकेशन का नुकसान ही हो रहा है। बच्चों की मुलाकात पेरेंट्स से जी, मतलब वालिद साहब से जी, इसके लिए क्या तरीक़ेकार आपका आगे होगा? आपने इस पर क्या कोई दरख्वास्त वगैरह देने जा रहे हैं? ये ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है जिसकी हम कंप्लायंस कर रहे हैं, तो उस पर कंप्लायंस हो रही है। हम हर डेट पर बच्चों को लेके आते हैं, आपका बिल्कुल राइट है, हम मान रहे हैं बच्चों से मिलना, वो मिलाते रहते हैं।